हेलो फ्रेंड्स, मार्शल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। और यह हमारे पास सेट आया है जिसका मॉडल नंबर है मोटरोला का सेट है, मोटो XT 1721 इसका मॉडल नंबर है। और इसमें यह दिक्कत है कि ये पूरा ओपन नहीं होता, ये ऑन होता है और रीस्टार्ट हो जाता है और फिर ऑन होता है और फिर रीस्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक कलर बदल देता है ये, और कलर बदलने के बाद ये फिर अपना बंद हो जाता है। देखिए, ये बंद हो चुका। तो आज इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले फ़ोन को खोलेंगे हम। ओके, खोल लिया। अब उसके बाद बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी को निकालते हैं सबसे पहले। और मल्टीमीटर से सबसे पहले बैटरी को हम चेक करेंगे कि बैटरी में करंट है या नहीं है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर रखेंगे और उसके बाद बैटरी को चेक करेंगे। देख सकते हैं 4.2 वोल्ट बैटरी के अंदर है, यानी हमारी बैटरी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बैटरी को एक साइड में रख देते हैं। अब चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर को। तो उसके लिए पहले मल्टीमीटर को क्वांटिटी पर करेंगे, कूल टेस्टिंग करनी है। और उसके बाद चेक करते हैं, तो वैल्यू दिखा रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ। देखिए, वैल्यू दिखा के चला गया, तो इसका मतलब हमारा बैटरी कनेक्टर भी बिल्कुल सही है। तो अब हम चेक करते हैं इसका चार्जिंग जैक कि चार्जिंग जैक में इसकी समस्या तो नहीं है। तो सबसे पहले फ़ोन को हम चार्जिंग पर लगाते हैं। देखिए, लगा दिया चार्जिंग पे। और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे करेंगे। और अब चेक करते हैं सप्लाई को कि सप्लाई आ रही है बैटरी कनेक्टर पे कि नहीं। देखिए, सप्लाई भी आ रही है, 3.5 वोल्ट हमारी आ रही है बैटरी कनेक्टर पे, यानी हमारा जैक भी बिल्कुल सही है। तो अब इसका मतलब है कि जो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा वो हार्डवेयर इशू से आता है इसका सॉल्यूशन। तो इसे पहले हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसके बोर्ड को चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। ये देखिए, फोन बैक पैनल हमने खोल लिया है और ये रहा हमारा बोर्ड। देख सकते हैं, ये बोर्ड हमारा ऐसा है। यहाँ कनेक्टर लगे हुए हैं, बैटरी कनेक्टर। देखिए, बैटरी कनेक्टर से ऊपर से सप्लाई आ रही है हमारी, और चार्जिंग जैक के पास से सप्लाई आ रही है। देख सकते हैं, यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है। और यहाँ से सबसे पहले हम इसके कनेक्टर को निकाल के बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखें कनेक्टर्स का, क्योंकि अगर कनेक्टर टूट जाता है तो काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसने कनेक्टर को काफ़ी केयरफुली निकालें, किसी पिन से या फिर किसी ओपनर से आपके पास हो तो ओपनर से निकालें। ये देखिए, बोर्ड हमारा बाहर निकल चुका है। और ज़्यादा बोर्ड को खींचना नहीं है, क्योंकि देखिए पीछे भी एक इसके कनेक्टर है, कनेक्टर पीछे से भी निकाल देते हैं। देखिए, बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि इसके अंदर फॉल्ट एक्चुअली में है कहाँ पर। देखते हैं भाई, पीछे कहाँ पर कहीं पर कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं, ये देखिए आगे मेरे को लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कैपेसिटर है यहाँ पर। तो देखिए, कैपेसिटर थोड़ा काला हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कैपेसिटर लीक हो रहा है और हिल भी रहा है ये कैपेसिटर। तो पहले इसे देखते हैं, इसे चेक करके देखते हैं कि कैपेसिटर हमारा सही है कि नहीं। मल्टीमीटर को क्वांटिटी पर रखेंगे और उसके बाद कैपेसिटर को चेक करते हैं। एक साइड बीप दे रहा है और दूसरी साइड वैल्यू शो करा रहा है, यानी इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। लेकिन
इसमें ख़राबी क्या है, ख़राबी ये है देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये कैपेसिटर हमारा हिल रहा है, मतलब ये प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहा है फ़ोन को, जिसकी वजह से फ़ोन बंद हो रहा है और ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है ऑन हो रहा है, प्रॉपरली आपका ओपन नहीं हो पा रहा। तो इस कैपेसिटर को पहले हम चेंज करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक नया बोर्ड ले लिया है जिसके अंदर से हम कैपेसिटर को निकालेंगे और अब हम कैपेसिटर को यहाँ से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा फ़ोन है उसके कैपेसिटर निकाल लेते हैं। देखिए कैपेसिटर हमारा निकल गया। अभी हम सेम कैपेसिटर वाला एक बोर्ड ले लेते हैं। आप कोई सा भी बोर्ड ले सकते हैं लेकिन आपका कैपेसिटर जो है सेम वैल्यू का होना चाहिए और तो और आपका कैपेसिटर का जो साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। तो इस बोर्ड में से मैंने निकाल लिया है कैपेसिटर और अब हम इस बोर्ड के अंदर इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं। ये देखिए लग चुका है हमारा कैपेसिटर यहाँ पर। अब हम इसे लगा करके एक बार चेक करते हैं फ़ोन के अंदर कि ये हमने जो लगाया सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो सबसे पहले जितने भी कनेक्टर्स हैं उन्हें आप लगा लीजिए फ़ोन के अंदर। बोर्ड मैंने फ़ोन के अंदर लगा दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ओके हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसे देखते हैं कि ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे। और ये देखिए मोटरोला हमारा आ चुका है यहाँ पर, यानी हमारा फ़ोन एकदम ओके हो चुका है। और ये देखिए फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको जो कैपेसिटर हमने निकाला था उसकी जगह पर आपको एक ख़राब पीसी में से आप उस कैपेसिटर को चेक करके निकालना है आपको कि आपका वो कैपेसिटर सही है कि नहीं। अगर सही है तो ही आप उसे अपने फ़ोन में लगाएं और कैपेसिटर की वैल्यू और साइज़ ज़रूर चेक कर लें, सेम साइज़ का ही लगाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।